जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 का आज एक और शानदार मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक गुजरात टाइटंस ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात के अभी तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स है और वही नेट रन रेट 0.638 है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात को अगर प्लेऑफ्स में अभी खेलना है तो अभी आगे आने वाले 6 मुकाबलों में से केवल 2 मुकाबले ही जीतने होंगे। और वही दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अभी आखिरी पायदान यानी कि नंबर 10 पर है आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में। और दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 2 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के 4 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.898 है। दिल्ली को अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो अभी आगे आने वाले 6 मुकाबलों में से लगातार 6 मुकाबले जीतने होंगे, और अगर दिल्ली इनमें से एक मुकाबला भी हारती है तो प्लेऑफ्स में नहीं खेल पाएगी। और वही बात करें दोनों टीमों की तरफ से प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह और सुमन गिल ओपनिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल आएंगे। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए डेविड वार्नर के साथ फिलिप सॉल्ट आएंगे। उसके बाद मिचेल मार्स आएंगे। उसके बाद मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, अक्षत पटेल, रिपल पटेल, कुलदीप यादव, एनरिक नौरखिया, ईशांत शर्मा और सबसे आखिरी में मुकेश कुमार आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाने वाला है, उसमें से अगर दिल्ली कैपिटल्स हार जाती है तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार प्लेऑफ्स में नहीं खेल पाएगी, और अगर गुजरात टाइटंस हारती है तो उसे आगे आने वाले 5 मुकाबलों में से फिर 2 मुकाबले जीतने होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी, हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।